चंद्रसेन जी हमारे साथ है, ज्वाइन किए हुए हैं, और हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला की कोर्सेज के ऊपर। तो चंद्रसेन जी की जैसे जरूरत है कि वो ऑफिस के काम को करना चाहते हैं, ऑफिस रिलेटेड जो भी वर्क है वो वर्क करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चंद्रसेन जी जानते हैं कि आखिर में एडवांस एक्सेल होता क्या है, क्या एक्सेल के अलग कोई फीचर होता है या एडवांस एक्सेल में कोई अलग सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, मेरा जो ओपिनियन ये है कि एडवांस एक्सेल का कोई ऑप्शन नहीं होता है, वही चीज होता है जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं, बट उसका तरीका, उसके ट्रिक्स, उसके एग्जाम्पल हमें उसे एडवांस बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि यहाँ पे मैं 20 लिखा और यहाँ पे मैं 30 लिखता हूँ। 20 को कॉपी किया और 30 के ऊपर हम पेस्ट स्पेशल करते हैं। पेस्ट स्पेशल में हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऐड का, यहाँ दिख रहा होगा। अब इस एड ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कि एडिशन होगा और 50 रिजल्ट यहाँ पेस्ट हो जाएगा। मैं फिर दोबारा करता हूँ इसी के ऊपर, इस बार मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा और 100,000 जो है यहाँ पेस्ट हो जाएगा। सॉरी, मैं डिवाइड कर दिया, माफ कीजिएगा। पेस्ट स्पेशल और यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने इस चीज को जाना कि पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन का यूज क्या होता है, राइट? आपने ये जाना कि हम जहां से कॉपी करते हैं, जहां पे पेस्ट करते हैं, उनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और रिजल्ट आपका पेस्ट हो जाता है। और कैलकुलेशन क्या क्या कर सकते हैं, तो हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको हम बेसिक कहेंगे कि आपने ऑप्शन के बारे में जाना कि ऑप्शन क्या है, कैसे यूज होता है और क्या रिजल्ट आता है। लेकिन इसी चीज को मैं अगर एडवांस एक्सेल में पढ़ाऊंगा तो कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा सपोर्टिंग टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि परसेंटेज। अगर आपको एक्सेल में परसेंटेज में टाइप करना है तो 20 और परसेंट का सैंपल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूं और उसके बाद सेलेक्ट करके इसके ऊपर परसेंटेज का डालूं तो 2000% हो गया। इसका मतलब है कि 1 इक्वल टू 100% होता है, 1 इक्वल टू 100%। ठीक है। तो मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो मुझे 0.20 और फिर परसेंट का सैंपल देना हो तो रिजल्ट आए, राइट सर? यस यस। अब यही पे एक प्रॉब्लम था कि हमारे जो कलीग थे मुझे रिपोर्ट भेजते थे, तो रिपोर्ट में क्या होता था, उनके पास कुछ फिगर होता था, तो फिगर का वो हेडिंग हमें परसेंटेज में दे देते थे। फिगर का हेडिंग हाँ। हमें परसेंटेज में देते थे, बाकी डेटा नंबर में हो जाता, मतलब उनके हिसाब से 71%, बट एक्सेल के हिसाब से 71 नंबर। अगर मैं परसेंटेज का सैंपल डालूंगा 70 100, 71 100% हो गया। जैसे कि मुझे अगर मान लीजिए 500 का अगर 71% निकालना है, 71% सिंबल में है, तो जस्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 71 अगर नंबर फॉर्मेट में हुआ तो सिर्फ मल्टीप्लाई से काम नहीं चलेगा, मुझे फिर डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा, सही नहीं है। तो क्या होगा, ये आपका 1000 में रिजल्ट आएगा। तो मुझे इस डेटा को यूज करना है। अब डेटा फिलहाल तो समझिए कि 10 20 सेल है, 25 सेल है, तो आपको मुश्किल से 2 4 5 मिनट लगेगा आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर। लेकिन डेटा हजारों में है, लाखों में, और मुझे जहां इसको यूज करना है वहां पे मेरा फॉर्मूला जो पहले से लगा है वो इस भी आप पे लगा है, और मुझे फॉर्मूला चेंज नहीं करना है क्योंकि मुझे इनके जैसे 10 20 लोगों का डेटा डालना पड़ता है।
बाकी सब मुझे सही भेजते हैं, इनका ही डेटा गलत आता है। तो मुझे यही पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मतलब कि मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं एक एक जाके परसेंटेज का सिंबल इस तरह से लगाऊं वन बाय वन, या फिर मुझे किसी तरह से इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है ताकि मैं इसमें परसेंटेज का सिंबल लगा दूं। क्या राइट right. इसके लिए क्या होगा कि हम जो यहां पे अभी आपको बताया है इसी मेथड को यहां पे हम इंप्लीमेंट करें। हम यहां पे 100 टाइप करेंगे, इस 100 को कॉपी करेंगे और पूरे साइट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम कर देंगे क्या करेंगे परसेंटेज डिवाइड में ओके करेंगे तो क्या होगा हर नंबर 100 से डिवाइड। अच्छा हो गया सर। हाँ हो गया। अब परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लासेज है अगर मैंने ये जो तरीका इससे पहले बताया सेम चीज बताया लेकिन ये चीज आपको दिमाग में उतना नहीं आती, आप इसको मेमोराइज नहीं करते और आपको ये इस चीज लगता है छोटा मोटा चीज, लेकिन इसी चीज को एक प्रॉब्लम के साथ एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किए और उस प्रॉब्लम को चुटके में सॉल्व किया तब आपको ये जो चीजें है वो आपको हमेशा याद रहेगी, आप जल्दी नहीं भूल पाएंगे। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज होती है क्लासेज में हम इसी तरह के कंसेप्ट को आपके साथ रखते हैं। और ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये कोई ट्रेनर आपको नहीं बताएगा, एक वर्किंग प्रोफेशनल बताएगा। तो पिछले 13 सालों से मैं इसी फील्ड में जॉब कर रहा हूं, अभी भी मेरे पास बहुत सारी कंपनीज है इसका मैं रिपोर्ट ऑटोमेट करता हूं, हालांकि अब कंपनी में जॉब नहीं करता, 2015 के बाद मैंने जॉब छोड़ दी है और फ्रीलांसिंग करता हूं। किसका फाइनेंस फ्रीलांसिंग फ्रीलांस फ्रीलांस के अंदर रिपोर्ट को रिपोर्ट एंड ऑटोमेट करता हूं उस कंपनी में और साथ में क्लासेस। तो मेरी क्लासेस के बारे में आप कोर्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाना होगा iptindia.com। मोबाइल वगैरह में खोलते हैं तो कभी दिक्कत हो तो इसको आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, वेबसाइट को भी मैंने ही बनाया है सर। तो इसमें मेरे पास दो तरह के कोर्स है, पहला है लाइव क्लासेस दूसरा है वीडियो क्लासेस। वीडियो क्लासेस पे आप क्लिक करेंगे तो मैं रिकॉर्डेड सेशन पे चले जाएंगे। ठीक है सर। सूरजीत जी मैं लाइव में से लैपटॉप से एक बार लॉगिन भी कर लेता हूँ ना, फिर मतलब जैसे चला देता हूँ मैं एक समझा रहा हूँ अभी जरूरत नहीं, जब क्लासेस शुरू होगा तो लैपटॉप। अच्छा ठीक है मैं आपको कोर्स एक्सप्लेन कर दूँ। तो लाइव वीडियो कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे वीडियो क्लासेस में चले जाएंगे जहाँ पे मेरे बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज स्टोर में अवेलेबल है जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो के फॉर्म पे है जो कि आप अपने घर पे आराम से बैठ के देख सकते हैं, ये iOS में भी अवेलेबल है, ये आपका विंडोज में डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है और आपका ये आपका एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है। iOS और अगर आप एंड्रॉयड में जाते हैं तो एंड्रॉयड में आपको जो है एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च करना होगा, वहां मिल जाएगा आपको एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, या फिर iOS में है तो किसी में YouTube वीडियो लिंक पे जाएंगे तो YouTube के डिस्क्रिप्शन में मेरा डाला हुआ है इस ऐप का लिंक iOS एंड उसका भी, और वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो iptindia.com के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन हमारी बात हो रही है लाइव क्लासेस, जैसे आप जूम पे हमारे साथ लाइव ले रहे हैं, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपकी बातों को सुन रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ। यस यस। तो लाइव क्लासेस पे जब क्लिक करते हैं तो मेरे पास लाइव क्लासेस की वेबसाइट खुलेगी ऐप live.iptindia.com, यहाँ पे मेरे कोर्सेज अवेलेबल है। और जहां तक मैंने आपकी रिक्वायरमेंट को समझा है तो आपके लिए जो पहला कोर्स एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला वो आपके लिए बेहतर है। यस सर। अब इसमें लाइव क्लास में दो पार्ट है हमारे, जैसे कि आपको अगर कुछ चीज सीखना है जैसे कि आपको कुछ फॉर्मूले सीखने हैं पिवट टेबल सीखने हैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक सीखना है तो मेरी ये फास्ट ट्रैक बैच में आ सकते हैं जहां पे 1-to-1 क्लास होगा
और 5 से 6 घंटे में आपके जो सिलेक्टेड टॉपिक वो मुझसे पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, बट ये फास्ट ट्रैक ले होगा, ये आपका एक्सपर्ट ऑप्शन नहीं होगा, एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस नहीं होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि वो छूट ना जाए, हर एक चीज को सीखना डिटेल में, डीप में, yes. तो मेरी एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस आप ले सकते हैं, जो कि 35 से 40 घंटे 45 घंटे की है। अब जो ड्यूरेशन है ना, ये एवरेज, ये बढ़ सकता है, घट सकता है, ये आपके लर्निंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। ठीक है। क्लासेस आपके मंडे टू फ्राइडे होती है तकरीबन 1 घंटे के आसपास, अगर वीकेंड क्लास लेते हैं तो 2 घंटे के आसपास। मैं आसपास क्यों बोल रहा हूँ, अब क्या सर रिकॉर्डेड सेशन तो है नहीं ना, कि वह फिक्स लेंथ है, ये तो लाइव सेशन है, हो सकता है कि चीज आप जल्दी समझ जाओ तो टॉपिक खत्म हो जाएगी, तो जल्दी क्लास हाँ। आपने बहुत सारे क्वेश्चन दाग दिए तो हो सकता है कि लेट हो जाए। हाँ, यस। तो ये चीजें इसलिए मैं आप आसपास बता दू, और इसमें जो टॉपिक कवर है मोटा मोटी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह भी है, रिपोर्ट ऑटोमेशन वगैरह भी है, क्लास की वीडियोज, नोट्स, पीडीएफ बुक्स, आर्टिकल्स एंड रीज्वाइनिंग यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री। आप कभी भी कोर्स को रीज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे फास्टैग मोड में रीज्वाइन नहीं है, मैं यहाँ पे लिख कर कि रीज्वाइन टेबल है, देखिए यहाँ पे आपका फ्री रीज्वाइन। रीज्वाइन मतलब ये हुआ, अब मान लीजिए मैंने आपको अभी 1000 चीज बता दिया, लेकिन सारी चीज याद तो ही रहे, आप यूज नहीं करोगे, भूल जाओ, या फिर क्लासेस के बीच दौरान आपने ध्यान सही से नहीं दिया, तो आप मेरे किसी भी अगली बैच में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। किसी भी रनिंग बैच में आइए, आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप पैसा नहीं लूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि मैं 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक आप आ जाएंगे तो मेरा कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी क्यों लगेगी, मुझे 2 को तो पढ़ाना ही है। इसलिए रीज्वाइनिंग हमारे लिए यहाँ पे फ्री होता है। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसी फाइल में आपको पीडीएफ फाइल भेजी भी है, ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं क्या क्या कवर है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, ठीक है। 1-3 बैच की साइज होती है, आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते समय डायरेक्ट मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं, नंबर भी मैंने दिया हुआ। क्लियर है? यस, क्लियर है। और इसमें प्रैक्टिस के दौरान कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे बातचीत कर सकते हो। जो टॉपिक है सर ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, आपको रियलाइज होता है कि कुछ चीजें हमने मिसिंग है, आप वो चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।